वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे यहाँ पे रवा की जो उत्तपम होता है ना, वो रेसिपी बन रही है। तो और कौन बना रहा है? हमारी जो गुजराती आंटी है, मजा माँ छो केम छो वाली आंटी हमारी उत्तपम की रेसिपी बना रही है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आंटी के पास, देखते हैं क्या क्या लिया आंटी ने बनाने के लिए। तो आंटी, आप उत्तपम बनाने के लिए क्या क्या लिया है आपने? राधे राधे, हमने सबसे पहले तो रवा गुनगुना पानी में भिगो दिया है। हाँ। और फिर उसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा दही डाल दिए है। हाँ हाँ। और सुबह से 10 बजे से भिगाया हुआ है। अच्छा, तो आंटी हमारे दोस्तों को बैटर दिखाइए, बैटर आपने कैसा रेडी किया है? बैटर है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये बैटर जो है आंटी, ऐसा होना चाहिए। ये आपने बैटर में क्या क्या डाला है? बैटर में हमने रवा, बैटर में हमने बंदा गोभी डाले है। बंदा गोभी मतलब पत्ता गोभी? पत्ता गोभी डाले है। हरी मिर्ची। हाँ। अब हम कढ़ाई रख रहे हैं। हाँ। तो बाकी का सामान उसमें मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, हाँ, हरी धनिया, सब कुछ वगैरह फ्राई करने में डाल देंगे। अच्छा अच्छा, तो देखो दोस्तों आंटी ये इधर ये मटर और शिमला मिर्च। अच्छा आंटी, आंटी पूरा वेजिटेबल को फ्राई करके उत्तपम में डालेगी। आंटी हरी मिर्ची और टमाटर। तो आंटी पूरी वेजिटेबल डाल रही है और वेजिटेबल को आंटी फ्राई करके आप उसमें बैटर में डालोगे? बैटर में डाल देंगे। हाँ नहीं तो कच्चा भी डाल सकते, लेकिन फ्राई करके डालने से और टेस्ट आता है। अच्छा अच्छा, कच्चा भी डाल सकते हैं दोस्तों वेजिटेबल। बट ये जो हमारी आंटी है गुजराती आंटी, केम छो मजा मछो वाली, तो वो वो वेजिटेबल को फ्राई करके उत्तपम में बैटर में डालेगी, तो वो बैटर और ही टेस्टी हो जाएगा। तो देखते हैं, चलो हमारा स्टाइल तो अलग है उत्तपम बनाने का और गुजराती आंटी का अलग है, तो वो आज गुजराती आंटी का आपको दिखा रहे हैं स्टाइल। बाद में उसने कर, अभी तो दोस्तों ये जो वेजिटेबल है हमारा पक चुका है और अब हमारी जो आंटी है ये जो वेजिटेबल है ये बैटर में मिक्स करेगी आंटी। और ये जो उत्तपम है ना दोस्तों, हम लोग तवे पे नहीं बनाने वाले, हम लोग कढ़ाई में बनाएंगे। ये गुजराती स्टाइल वाला है उत्तपम। तो आप आंटी ये वेजिटेबल को बैटर में डाल लिए, तो आंटी आप क्या क्या डाल रहे हो आप बताइए, हमारे दोस्तों को बताते जाइए। अब कढ़ाई में देखिए, गरम कढ़ाई है। हाँ। उसमें एक चम्मच जितना आपको तेल डालना है। हाँ। तेल डालने के बाद अपन ने ये जो मिक्स किया है बैटर, उसी को एक एक चम्मच लेके आपको उसमें डालना है। ओके। और कम आंच पे, एकदम कम सिम गैस पर कम है, पकाना है। अच्छा, एकदम लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे, हाँ। और हमारी मम्मी यहाँ बैठ के देख रही है दोस्तों, देखिए ये देखिए उत्तपम का मजा ले रही है। नमक वगैरह भी जब भिगोते हैं तभी नमक डाल दूंगी, तो और बैटर अच्छा बन जाता। अच्छा है। जब हम बैटर को भिगो रहे हैं तभी नमक डाल देना ना। हाँ। और बाद में कम ज्यादा होगा तो मिला सकते हो। हाँ। प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाना है इसलिए प्याज नहीं डाल रहे। प्याज डालेंगे तो और टेस्टी बनेगा ना, और टेस्टी बनेगा। अच्छा, पानी ना, पानी बाद में है, गाढ़ा है ना। तो दोस्तों देखो ये जो उत्तपम है, देखो तवे पे बनता है, लेकिन ये जो आंटी है कढ़ाई में उत्तपम बना रही है। तो कढ़ाई का जो उत्तपम है आंटी, फूलता है? फूलेगा, और अभी 2 मिनट में पक जाएगा तुरंत। अच्छा, 2 मिनट में तुरंत पक जाएगा, पक जाएगा, बहुत मस्त लगेगा। अरे वाह, क्या बात है, आज तो गुजराती स्टाइल का उत्तपम खाएंगे भैया हम। और इसको ढक देते थोड़ी 2 मिनट। अच्छा, उसको ढक देंगे सकते हैं तो तुरंत हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो भाप से पक जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे उत्तपम बन रहा है। तो दोस्तों हमारा ये जो देखो ढोकला बोल रही हूँ, सॉरी, ये जो हमारा उत्तपम है, हमारा उत्तपम बन चुका है। अब आंटी देखो उनको पलटा दिए, पलटा दिए। अब तो ऐसा कलर है, ये ब्राउनिश हो गया है ना, पक गया, मतलब ब्राउनिश हो गया, एक तरफ पक गया, एक तरफ पक गया, नीचे बस थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, फिर निकाल देना है अपने को थाली में। तो दोस्तों हमारा जो एक साइड का है, वो एक साइड का उत्तपम पक गया है, तो जब एक साइड का पक जाएगा तो वो ब्राउनिश हो जाएगा। और ये जो है हमारी आंटी ने ये जो ग्रीन चटनी बना के लेकर आई है अपने घर से, तो ये जो ग्रीन चटनी है आंटी, आपने ग्रीन चटनी में क्या क्या डाला है दोस्तों को जरा बता दीजिए। धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, और थोड़ा सा वैसे तो मूंगफली डाल सकते हैं। हाँ। लेकिन हमने नया तरीके से गांठिया डाले हैं। अरे गुजराती का गांठिया जो आता है वही डाला हुआ है। अच्छा, जिसके अंदर, अच्छा जिसके अंदर आंटी काली मिर्च रहती है वो। हाँ, बेसन का गांठिया। अरे अजवाइन हरी चटनी है, हम अपने उत्तपम को हरी चटनी के साथ खा के आपको बताएगी दोस्तों, वेट कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा ना, एक बार ही डालना पड़ता है। अच्छा, एक ही बार डालना पड़ता है, फिर दूसरी बार में थोड़ा सा डालूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी, अब
तो दोस्तों हमारा उत्तपम जो है दोनों साइड से पक चुका है। दोस्तों देखो हमारा उत्तपम, हमारा उत्तपम अब हमारा उत्तपम सर्व करने के लिए रेडी है दोस्तों। तो आंटी, अब आंटी हमारी जो है वो उत्तपम की प्लेट तैयार करेगी। उत्तपम की प्लेटिंग कर रही है आंटी अभी, और साथ में थोड़ा सा हरी चटनी वगैरह डालेगी आंटी। ठाकुर जी का पहले निकाल दिया, अलग देना लहसुन। हाँ तो दोस्तों हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी गुजराती आंटी ने उत्तपम कैसा बनाई है। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए दोस्तों उत्तपम, और साथ में ग्रीन चटनी है। वाह क्या गरम गरम है दोस्तों, ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म चीज़ें जो मिलती है ना, देखो धुआं निकल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये गुजराती स्टाइल का जो उत्तपम है बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आंटी ने उसके अंदर हरा मटर डाली है और पत्ता गोभी डाली है, तो ये मुंह में पूरा फ्लेवर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे एक चीज़ भूला है, इसके पर हरी बोलो ना, लाल मिर्ची भी छिटक सकते थे इसके पर, लाल मिर्ची में छिटक। हमारी जो आंटी आपको कुछ बोलना चाहती है। हाँ बोलिए आंटी। हाँ हम एक चीज़ बोल रहे हैं, इसके पर छिप आप इसमें उत्तपम बनाने के लिए कढ़ाई में डालोगे ना, हाँ? तो उसके पर लाल मिर्ची भी छिटक सकते हो, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। अच्छा अच्छा, जब टेस्ट लगता है। अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों जब आप कढ़ाई में उत्तपम को डालोगे तो आप ऊपर से इसमें चिली पाउडर और ये जो ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च, उसका पाउडर भी छिड़क सकते हो, और ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, वो भी गुजराती स्टाइल की रेसिपी हमारी आंटी की। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। आंटी कुछ बोल दो। जय श्री कृष्णा सबको, मम्मी राधे राधे, जय माता जी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।